10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी, सिर्फ वो स्टॉक्स हैं लाल हरे में अपने अपने रीजन के चलते, आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिएगा। दो प्रमोटर सेलिंग के इंस्टेंसेस कल जो हुए, हालांकि दोनों स्टॉक्स में बहुत मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन और बहुत तेजी में, प्रमोटर्स तेजी को भुना रहे हैं इसीलिए लाल कर दिया मैंने, टीटागढ़ और एफएल इंडिया। दो जो लार्ज ट्रेड्स आज होने हैं, आर्चियन केमिकल्स और सीएसबी बैंक, आर्चियन को लाल करा है अप टू 5-5.5% का डिस्काउंट, और सीएसबी का कॉन्फिडेंस दिख रहा है प्रमोटर्स की सेलिंग का 1% के ही डिस्काउंट पे, तो लाजली शायद ये 8.45 के आसपास ही सौदे निपट जाए, हो सकता है। आज दो एग्जिट चलते ऑरियन प्रो और शेयर इंडिया को रखा रेडार पे। आज ओडिशा लिकर बैन के चलते रेडिको खेत की खबरों को लेकर रेडिको और यूनाइटेड स्पिरिट्स को रखा रेडार पे, दोनों लाल, और कुछ ऑर्डर बैक करने की न्यूज के चलते केईसी और रामकी को कर दिया ग्रीन। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज ने एक एक्विजिशन किया है और ये एक्विजिशन उनके लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत फिट बैठ रहा है, और इसके लिए जो फंडिंग है वो भी इंटरनल अक्रूवल से होगी। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से 55 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अदानी पोर्ट्स को एसएनपी ने अपग्रेड किया है, आउटलुक पॉजिटिव किया है। ईएमएस को आगरा में जल निगम की तरफ से 125 करोड़ का ऑर्डर मिला है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने एक पीपीए साइन किया है करीब 1300 मेगावाट का। प्राज इंडस्ट्रीज के लिए वाटर क्राइसिस चल रही, तो इसमें बहुत सारी जो वाटर ट्रीटमेंट वाली कंपनीज और रडार पर रहेंगी। ईएमआई ने एक नया स्टोर खोला दरियागंज नई दिल्ली में, और जेफरीज की एक बाइकॉल की रिपोर्ट है पॉलीकैप पे, और उन्होंने 8,500 का टारगेट दिया है। डॉक्टर रेड्डीज ने एक एक्विजिशन किया है निकोटेल नाम के एक ब्रांड को निकोटीन की वजह से, लेकिन उस पर डॉक्टर रेड्डीज की जो रिपोर्ट आई है जेफरीज की, उनको वो बहुत पसंद नहीं आया। एचडीएफसी बैंक को रखिएगा, आपको लगता है कि अपट्रेंड इसमें कंटिन्यू होना चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।